हैं कि रोजगार की एक राह अगर बंद होती है तो कई और राह अपने आप खुल जाती हैं। लेकिन इसके लिए पार की नजर और बुलंद हौसले होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं कटिहार रौतारा के कृष्णानंद मिश्रा की, जिन पर ये बात एकदम सही साबित होती है। दरअसल अपने जीवन के 20 साल मुंबई में किसी बड़े निजी कंपनी में बड़े पद पर रहने वाले कृष्णा की नौकरी जीएसटी के दौर में चली गई। इसके बाद वो अपने गांव वापस लौट आए और 4 गायों से कृष्णा डेयरी शुरू की। आज वो 20 गांव के साथ अपनी डेयरी फार्म चला रहे हैं। जीएसटी लगा तो हम वहाँ बेरोजगार हो गए, बहुत मायूस हुए पहले, क्या करेंगे नहीं करेंगे। फिर यहाँ आए, धीरे धीरे 4 गाय से शुरू किए। 4 गाय से शुरू करने के बाद एक तो उसका 2 फायदा हुआ, एक तो अपना घर में रहना है, दूसरा गौ सेवा करना है। गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अभी हमारे पास 15-20 गाय हैं, अच्छी दूध हो रही है और अच्छे से रोजगार चल रहा है। जीविकापार्जन के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है। आगे क्या सोचिए? इसी को धीरे धीरे उन्नत किस्म की और गाय लाने का और इसी को धीरे धीरे बढ़ाने का, यही व्यापार को। कृष्णा के सहयोग करने वाले बंगेरी कहते हैं कि इससे पहले वो पंजाब में मजदूरी करते थे, लेकिन अब कृष्णा भैया की मेहरबानी से उन्हें घर में ही रोजगार मिल गया है। पहले कहाँ काम करते थे? पंजाब में डेयरी फार्म में काम कर रहे थे। अच्छा। वहाँ से ये जो अपना गाल आया 4 तो इसने हमको फोन किया कि आप हमारे गाँव आ जाइए, तो हम भी यहीं पर काम खोले हैं, आप भी रह सकते हैं यहाँ पर। तब जब आए तो देखे 4 गाय था, 4 गाय से अभी 20 गो गाय है, अच्छा दूध देती है। और वहाँ से पंजाब से कुछ ठीक है, यहाँ घर में रहते हैं बीवी बच्चे के साथ। कृष्णा की कहानी कई मायने में दिलचस्प है, क्योंकि उनकी नौकरी आर्थिक मंदी के दौर में गई, जिसमें युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में कृष्णा की कहानी हमें अपने दम पर कुछ करने की एक सीख देती है। न्यूज़ डेस्क।